आई हूँ काल रेडी की नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हमारे साथ द ऑल न्यू थर्ड जनरेशन एथर। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको 460X की बैजिंग देखने को मिलती है एंड इसकी शेप वगैरह देख सकते हैं, लुक्स वगैरह आपको काफी ज्यादा मस्कुलर सी देखने को मिलती है। फ्रंट में यहाँ पे आ जाते हैं इसमें LED हेडलैम्प्स जो कि ऑल डे एंड ऑल नाइट चलते रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आ जाते हैं DRLs जो कि टर्निंग इंडिकेटर्स का काम भी करते हैं, कुछ ऐसे देख सकते हैं। और जैसे ही आप इसके इंडिकेटर्स चालू करेंगे, आवाज सुन रहे हैं ये इसी गाड़ी में से आ रही है। उसके अलावा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको टायर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, पूरे ब्लैक में है। जिसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो आ जाती है 90-90-12 इंच के आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। MRF के टायर आ जाते हैं कंपनी की तरफ से। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, पीछे की तरफ भी आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक दी गई है। टॉप एंड वेरिएंट आप देख रहे हैं, टॉप एंड वेरिएंट के प्राइस की बात करूं तो ये आपको टॉप मॉडल 1,55,000 के अप्रोक्स देखने को मिल जाएगा शोरूम में। यहाँ पे देख सकते हैं एथर की बैजिंग आ जाती है रेड कलर में, काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है और रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है इसको एक अलग सी लुक दे रहा है। अगर आप ओवरऑल लुक देखेंगे तो काफी हटके है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ब्लैक मैट आउट फिनिशिंग में ऑल पार्ट दिया गया है, यहाँ पे भी ब्लैक मैट आउट आ जाता है। इस तरफ आप देखेंगे तो ग्लोसी ग्रे सी फिनिशिंग दी गई है पीछे हैंडल पकड़ने के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको पूरी LED में देखने को मिलेंगे इसके टेल लैंप्स। एथर की बैजिंग आ जाएगी यहाँ पे पीछे की तरफ दिए गए रिफ्लेक्टर। इस गाड़ी में आपको 6.4 किलोवाट की पावर देखने को मिल जाती है, 36 NM का टॉर्क देखने को मिलता है। उसके अलावा इस गाड़ी में आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसमें आपको इनबिल्ट नेविगेशन आ जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मोड दिए गए हैं, इसमें रैप मोड है। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलती है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जिसके अंदर इनबिल्ट नेविगेशन आ जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको सारे मोड्स वगैरह दिए गए हैं जिसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं अगर मैं इधर करूँ राइड आ गया, इको आ गया, उधर करूंगा तो राइड स्पोर्ट। रैप करके इसका है टॉप मोड जिसमें पावर आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। टॉप स्पीड की बात करूँ तो ये गाड़ी 90 को टच कर देती है बड़े आराम से और उससे भी ऊपर जा सकती है, बस यही है थोड़े एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। पेट्रोल के साथ इसका कंपेयर करूँ तो कोई कंपैरिजन नहीं है, जब तक पेट्रोल अपना पिकअप पकड़ेगा तब तक ये कब के आगे निकल जाएगी। उसके अलावा इसमें आपको सिंगल बैटरी मिल जाती है जिसकी 5 साल की वारंटी है, 5 साल तक ये गाड़ी कोई भी खर्चा नहीं मांगने वाली। अगर आपकी बैटरी वगैरह भी खराब होती है कंपनी से आके बंदा उसे चार्ज करके जाएगा या चेंज करके जाएगा अगर वारंटी पीरियड में हुई तो, और 5 साल तक बिल्कुल आपको कोई खर्चा नहीं देगी ये गाड़ी। बस जो टायर वगैरह का खर्चा होगा टायर पंचर हो गया ये सब, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं है इसमें। पेट्रोल में मेंटेनेंस लगती है, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। 5 साल तक आप पैसा लगाओ एक बार, 5 साल तक फिर भूल जाओ। उसके अलावा बूट स्पेस आपको चेक करवा देता हूँ। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी बड़ा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। एक फुल साइज हेलमेट रखने के बावजूद भी आप हाफ साइज हेलमेट रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं ये जो LED की लाइट आ रही है ना, काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। रात के टाइम तो और भी ज्यादा बढ़िया लगती है जब इसका बूट स्पेस ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे आपको किट वगैरह मिल जाती है मेडिकल की, इमरजेंसी के लिए। की ऑफ करके आप ऐसे करेंगे तो इसका बूट स्पेस एक्सेस कर सकते हैं। डिस्प्ले में देख सकते हैं आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, करंट राइड कितने किलोमीटर की हुई है वो देखने को मिल जाएगा, एवरेज स्पीड क्या रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिप वगैरह, आपकी लास्ट ट्रिप जो है ट्रिप ए है कितनी रही है, उसके बाद पूरा टोटल ओडोमीटर में जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको इसकी ब्राइटनेस वगैरह करने का एक्सेस मिल जाएगा, यहाँ पे इसके साउंड के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे पार्क असिस्ट भी इस गाड़ी में आता है, ऑटो होल्ड का फीचर दिया गया है। अगर आप हिल्स वगैरह पे हैं ऑटो होल्ड करके रखेंगे गाड़ी अपने आप रुक जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। स्मार्ट इको का फीचर आ जाता है, इको भी मैंने आपको दिखाया था मोड, उसके अलावा स्मार्ट इको का फीचर इसमें आ जाता है। इनकॉग्निटो टैब ओपन कर सकते हैं, मतलब काफी सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी मैंने फोन कनेक्ट नहीं किया गया इसलिए यहाँ पे कॉल ऑफ आ रहा है, वरना आपको यहाँ पे किसी का फोन कनेक्ट करने के बाद किसी की भी कॉल आती है राइड करते हुए वो भी देखने को मिल जाएगी। और एक फीचर और आपको कमाल का मिल जाता है, जैसे ही आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं एक रिवर्स के लिए आपको मिल जाता है। जैसे ही मैं पीछे करूंगा तो ये गाड़ी पीछे जानी शुरू हो जाएगी, देख सकते हैं कुछ ऐसे, और रिवर्स कैंसिल करते के साथ ये गाड़ी आगे जाएगी।
यहाँ पे आपको बटन देखने को मिल जाते हैं लो बीम और हाई बीम के। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर्स के बटन देखने को मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स जैसे आप ऑन करते हैं लेफ्ट राइट का तो इसमें साउंड एक प्रोड्यूस करते हैं कि हाँ इग्निशन दे रहा है आपको, इंडिकेटर आपका ऑन है। यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाता है, हॉर्न देख सकते हैं काफी बढ़िया है, साउंड वगैरह आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। ऐसे मतलब दबी दबी सी साउंड नहीं है। इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है इसका। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे राइड मोड वगैरह चेंज करने का बटन मिल जाता है, देख सकते हैं मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मोड चेंज हो रहे हैं इसके। यहाँ की तरफ आपको सेल्फ स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है, मतलब कम्प्लीटली काफी बढ़िया आपको गाड़ी देखने को मिलती है ये। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइड व्यू मिरर देखने को मिलते हैं। एक्टिवा की तरह नहीं कि गोल घुमाए और वो ढीले हो गए, बच्चे वगैरह बहुत ज्यादा ढीले कर देते हैं। यहाँ पे आपको साइड में इसका नट मिलता है, यहाँ से खोलेंगे इसे फिर ये रिमूव होगा अगर चेंज वगैरह करने की दिक्कत है। बाकी क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा बढ़िया है। उसके अलावा इसका साइड स्टैंड भी काफी यूनिक है, देख सकते हैं आप बिल्कुल हटके है इसका साइड स्टैंड। एक्टिवा वगैरह में आपको नॉर्मल साइड स्टैंड देखने को मिलता है, बट इसका काफी ज्यादा यूनिक है, काफी बढ़िया लुक दे रहा है। और आपको कभी कभार एक्टिवा का अगर साइड स्टैंड आपने देखा होगा यहाँ पे हल्का सा वो निकल रहा होता है, अगर वो अंदर की तरफ दब जाए तो फिर नीचे करने में काफी दिक्कत होती है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो इसको अगर मैं ऊपर करूँ तो एक स्टेप आ जाता है, इसे नीचे करने के साथ इसका साइड स्टैंड लग जाएगा। साइड स्टैंड जब एंगेज होगा तब ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। काफी ज्यादा सेफ्टी को लेके इसको बहुत बढ़िया। कभी कभार क्या होता है हम सीधा गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट ही नहीं होगी। अब देख सकते हो साइड स्टैंड लगा हुआ है और मैं इसे स्टार्ट करने की जैसी कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें आ रहा है डिसएंगेज साइड स्टैंड। साइड स्टैंड हटाया, प्रेस ब्रेक और ये गाड़ी स्टार्ट हो गई सेल्फ देते के साथ ही। मैंने स्पोर्ट्स मोड में कर रखी है, यहाँ पे स्पोर्ट लिखा आ गया और मैं इसे चेंज करूंगा ऐसे करके ये चेंज हो जाएगी। रैप में तो ये गाड़ी बिल्कुल फुल भागती है, देख सकते हो। स्पीड ब्रेकर वगैरह पे भी इसका काफी ज्यादा रिस्पॉन्स काफी ज्यादा बढ़िया, स्पीड ब्रेकर वगैरह पे भी इसका। यहाँ पे देख सकते हो चलते चलते आपको कुछ नहीं कर रहा, हल्की सी रेस डाउन करनी है, मोड ऐसे चेंज हो जाएगा, स्पोर्ट मोड पे आ गई। एंड यहाँ पे आप दोबारा चेंज करेंगे, राइड मोड पे आ गई, इको मोड पे आपको काफी ज्यादा अच्छी रेंज वगैरह देखने को मिल जाती है, स्पोर्ट मोड में आपको कम रेंज देखने को मिलेगी, रैप मोड में और भी ज्यादा कम हो जाएगी। हल्की सी आपको रेस डाउन करनी है और ये मोड चेंज, रैप मोड इसका काफी ज्यादा बढ़िया है। रियर का इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि काफी बढ़िया जगह प्लेस किया गया है। एक बार मैं आपको चालू करके दिखा दूं, देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी में लाइटिंग आ रही है, काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। एंड फ्रंट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे डीआरएल्स की तरफ आ जाएगा। अभी के लिए इसे बंद कर देते हैं, बहुत ज्यादा शोर कर रहा है, टैं टैं टैं। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट डिटेल वीडियो ऑल न्यू जनरेशन एथर की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ।